अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन बीट्स। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार असली रेस्टोरेंट स्टाइल शनवारी मटन कीमा कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। इसको आप चिकन और बीफ के साथ भी बना सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मटन कीमा 1 kg, घी 200 ग्राम। असल जो रेस्टोरेंट स्टाइल है उसमें घी ही यूज़ होता है, आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। टमाटर 400 ग्राम, सब्ज़ मिर्चें 4 से 5, दही 200 ग्राम, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, कुटी हुई सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। अब घी गरम हो रहा है तो इसमें मैं कीमा शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही हम नमक इसमें शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखें, अब मैं इसमें कीमा मैंने डाल दिया है और इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे। देखिए, इसे हमने 5 मिनट तक ऐसे भूनना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये शनवारी मटन कीमा बनता है। आप यकीन ही नहीं से पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का आपको खाने को मिलेगा। 5 मिनट हो गए हमें कीमा भूनते हुए। ये देखें कीमा कैसे आपको कैसा नज़र आ रहा है। अब हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। देखिए, मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के साथ इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि अभी कीमा गलने के लिए पानी की ज़रूरत है इसको। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा 1/4 ग्लास है ये पानी का। और अब इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी और तकरीबन 10 मिनट तक इसको कवर करके हमने पकाना है। ये देखिए, 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए और आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने इसका छिलका उतार लेना है। ये देखें, इस तरह जो है टमाटर के ऊपर से हमने छिलका उतार लेना है, इसका अलग कर लेना है और बाकी टमाटर इसमें रह जाएंगे। इसके बाद हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारा 2 टेबलस्पून, वो हम इसमें शामिल करके तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके हमने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और बहुत हल्की भी नहीं होनी चाहिए। अब 2 से 3 मिनट इसे भूनते हुए हो गए हैं। अब मैं सारे मसाले इसमें एक एक करके ऐड करूँगी। ये अब मैं कुटी हुई मिर्चें मैंने डाल दी हैं इसमें। तकरीबन सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और काली मिर्च और गर्म मसाला हम एंड पर डालेंगे क्योंकि अगर पहले डाल दिया तो ये इसका कलर जो है वो बहुत डार्क हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। और अब मैं इसे थोड़ी सी मैंने तेज़ फ्लेम की हुई है और उस पर मैं तेज़ आग पे इसे भून रही हूँ। 2 से 3 मिनट हमने इसे तेज़ आग पे भूनना है। ये देखिए, मैंने इसे 2 से 3 मिनट भून लिया है और आप देख सकते हैं कि इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही डाल के हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है, हाई नहीं करना फ्लेम। और कोई भी कुकिंग वाली डिश, जो भी हम डिश पका रहे हों, उसमें जब भी हम दही या क्रीम कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करते हैं तो हमने हमेशा फ्लेम को हल्का रखना है, कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं उसे पकाना, वरना ये फट भी सकती है। और साथ साथ हम देखें, ऐसे हम चम्मच चलाते जाएंगे और इसे हमने छोड़ना नहीं है और साथ साथ हम इसे भूनते जाएंगे। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। दही ऐड करने के बाद ये देखिए, मैं इसे भून रही हूँ और इसे 2 से 3 मिनट तक हमने हल्की आग पे पकाना है, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है और उसके बाद फिर हम फ्लेम को तेज़ करके फिर इसे पकाएंगे इस तरह कि इसका पानी, देखें अभी पानी नज़र आ रहा है, और तेज़ आग पर पकाएँगे, फिर इसका पानी खुश्क हो जाना चाहिए। ये देखिए, मैंने इसे इतना भून लिया है कि पानी ड्राई हो गया, इसका खुश्क हो गया और कीमा भी गल गया है। तो आपने भी ये ध्यान रखना है कि पानी खुश्क हो जाए और कीमा गल जाए, आपने इसको इतना पकाना है।
अब इसके बाद मैं इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैं काली मिर्च और गरम मसाला जो एक एक टीस्पून मैंने लिया है वो भी मैंने साथ में डाल दिया है। ये दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं। कढ़ाई तकरीबन हमारी पकने ही वाली है, तकरीबन तैयार होने वाली है। इसे तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है और फिर हम इसे उतार लेंगे। हमारी शनवारी मटन कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी। शनवारी मटन कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, ये आप देख सकते हैं। देखने में भी कितनी ज़बरदस्त है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।